दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से की गई। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार का बजट देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये इस दशक का पहला बजट है। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ जनता ने हमें संसद भेजा है, हम जन आकांक्षाओं को देखते हुए इस सत्र को सफल बनाएंगे। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश कई आपदाओं से बाहर निकला है और एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है। केंद्र और सरकार के समन्वय से लोकतंत्र को मजबूत किया। आपको बता दें कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का हंगामेदार होना तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानूनों, पूर्वी लद्दाख गतिरोध, अर्थव्यवस्था की स्थिति और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।